Subscribe and press the bell icon for latest update. विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने जम्मू में सेना शिविर पर हुए दहशतगर्दाना हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वहां पर मौजूद रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ये सब हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रवीण तोगड़िया का। गांव में कर्ज के कारण किसान आत्महत्या करके मर रहा है और सरहद पर पाकिस्तानियों के कारण सैनिक मर रहे हैं। अभी आज सुबह जम्मू के आर्मी कैंटोनमेंट में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर हमला किया है। अब तक 2 सैनिक वीरगति प्राप्त करने की जानकारी है, पर हमले का स्वरूप देखकर परिस्थिति गंभीर है और आर्मी कैंटोनमेंट के चारों ओर रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनके कारण आतंकी हमला करने में सफल रहे हैं और जो रोहिंग्या मुसलमानों को देश से हटाने की मांग विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस के शासन से कर रही है। अब बात आपको बता दें कि शनिवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके में स्थित सेना के एक कैंप पर हमला कर दिया था। सुजवान में सेना कैंप पर किया गया आतंकी हमले में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। इसके अलावा सैन्यकर्मी की बेटी सहित 4 लोग घायल हो गए। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।